नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पलवल शहर के प्राचीन एवं कदीमी मेले श्री बलदेव छठ मेले का आयोजन आगामी 6 सितंबर 2023 बुधवार से माल गोदाम रोड स्थित दशहरा ग्राउंड में होगा। मेले का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पलवल के विधायक दीपक मंगला करेंगे और वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पलवल नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्र पाल राणा, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी और नगर परिषद पलवल के उपाध्यक्ष मनोज बंधु शिरकत करेंगे। ये जानकारी श्री बलदेव छठ मेला समिति पलवल के अध्यक्ष अनिल मोहन मंगला ने बलदेवगंज बाजार स्थित श्री बलदाव जी मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। वहीं समिति के महासचिव भगवत स्वरूप सिंगला, सचिव ललित बिंदल और मीडिया प्रभारी निकुंज गर्ग ने बताया कि मेले के दौरान अनेकों सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 21 सितंबर तक कमेटी चौक स्थित श्री श्यामा कुंज में रासलीला का आयोजन किया जाएगा। वहीं 21 और 22 सितंबर को श्री बलदाव जी मंदिर में भगवान बलदाव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में छप्पन भोग का आयोजन किया जाएगा। 23 सितंबर को शोभा यात्रा कमेटी चौक से निकाली जाएगी और 24 सितंबर को सुंदरकांड पाठ एवं संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 23 और 24 सितंबर को रात्रि 10 बजे से कमेटी चौक स्थित श्री श्यामा कुंज में स्वांग एवं नौटंकी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 27 सितंबर को प्रातः 10 बजे से श्री बलदाव जी मंदिर में दाव जी महाराज का छठी पूजन किया जाएगा और वहीं 1 अक्टूबर 2023 को साय 7 बजे कमेटी चौक स्थित श्री श्यामा कुंज में मेले का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। मेला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ साथ मेला प्रांगण और स्वांग कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। इस अवसर पर महेश पंचाल, राकेश जैन, राजकुमार तायल, विजेंद्र सिंगला और संजय गोयल समेत अन्य उपस्थित रहे। पलवल से हमारे संवाददाता परवीन आहूजा की रिपोर्ट। प्रधान जी, बात की जाए श्री बलदेव छठ मेला कब से ये शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा, क्या क्या मुख्य आकर्षण की? ये दाऊजी का मेला प्राचीन मेला है और धार्मिक मेला है, 36 बरादरी का है और ये कब से लग रहा है इसका कोई अनुमान नहीं है। बाकी कोई कहता है 200 साल से लग रहा है, कोई कहता है 300 साल से लग रहा है, लेकिन आप 65-66 साल की उम्र मेरी भी है और हम बचपन से ये मेले को देखते आ रहे हैं। बीच में कुछ कारणों से कुछ दिन के लिए बंद रहा लेकिन फिर चालू हुआ और इस मेले का जो शुभारंभ है वो 6 सितंबर से होगा और 1 अक्टूबर तक ये मेला चलेगा। इसके बीच में अनेक गतिविधि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक को जोड़े रखने के लिए, लोक कलाओं के माध्यम से जोड़ने के लिए वो इस मेले का उसका बीच में रहेंगी। जैसे कि मेले में झूले आले इत्यादि लगते हैं, वहाँ पर भी एक वो गधा सर्कस है, कोई काला जादू है, इस तरह के अनेक कार्यक्रम, अनेक मनोरंजन के साधन वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। उसकी सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी व्यवस्था हमने की है, पर पुलिस प्रशासन भी हमेशा हमें सहयोग करता है और भी करेगा। इसके अलावा हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ पर घूमते रहते हैं, CCTV कैमरे भी हमने लगवाए हैं, फायर के लिए भी हमने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, हाइजीन के लिए भी हमने वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएँ की हैं, कोविड डेस्क भी हम वहाँ लगाने वाले हैं। इस तरह की अनेक व्यवस्थाएँ हम वहाँ करेंगे जिससे कि आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक रासलीला और लोग अपना जो स्वांग है उसकी प्रश्न है, तो रासलीलाओं में तो असामाजिक तत्व आते नहीं है क्योंकि वो 100% डिवोटेड होता है भगवान कृष्ण की लीलाओं पर ही, तो इसलिए उनका जिनमें तो जिनकी रुचि होती है, जो भक्ति रस में डूबना चाहते हैं वही लोग उसके दर्शक होते हैं। लेकिन जहाँ स्वांग का सवाल है, ये बेसिकली एक हमारी लोक कला है, लोक आर्ट है हमारा, और आर्ट भी क्या है, ये काव्य नाटक होता है। इसमें जो संवाद हैं उनके चरित्रों के वो भी काव्य के अंदर होते हैं और एक विशेष शैली में होते हैं, तो उस शैली का नाम ही स्वांग है।
तो वो जो स्वांग है उसमें कई बार, क्योंकि जो इसके महिला पात्र हैं वो एक्चुअल में महिला होती हैं, तो इसलिए कुछ लोग उसको भद्दा मान करके वहाँ पर असामाजिकता फैलाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमेशा पहले हम लोग यहाँ ओपन में करते थे, इस बार हमने प्रयास किया है कि इसको बाउंडेड गेटेड मैदान के अंदर किया जाए, जिससे कि असामाजिक तत्व वहाँ ना पहुँच पाएँ, और CCTV कैमरे का भी हमने वहाँ व्यवस्था की है। क्या मैसेज पलवल क्षेत्र के लोगों के लिए देना चाहिए? पलवल के लोगों के लिए यही मैसेज है कि ये मेला जो है हमारे शहर की शान है, और ये शान को मेंटेन करना हम सब शहरवासियों का, किसी भी बिरादरी के हों, हमारा सबका दायित्व है। जैसे कि मेरा एक सुझाव है कि हम लोग मेले में जाएंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ खाएंगे, तो जो खाने का बचा हुआ सामान या कचरा है उसको कचरे के स्थान पर ही फेंकेंगे, इतना ही बहुत बड़ा हमारा सहयोग होगा। ललित जी, किस प्रकार से जो काफ़ी लंबे समय से जो आप मेले कमेटी से जुड़े हैं, फिर एक बार पलवल क्षेत्र में एक ऐसा भव्य आयोजन पलवल के लोगों के लिए होना चाह रहा है, तो इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए वो रहेगी, क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? देखिए, वैसे तो पूरा मेला हमारा मुख्य आकर्षण होता है और बहुत प्राचीन मेला है, आसपास के क्षेत्र के लोग आकर्षण देखने ही पलवल आते हैं। मेले की एक एक हमारा जो बताया 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अलग अलग डेटों पे अलग अलग कार्यक्रम है, और हर प्रत्येक कार्यक्रम एक एक आकर्षण के लिए है, चाहे वो रासलीला हो, चाहे भव्य झांकियाँ हों, छप्पन भोग हों, सारे कार्यक्रम आकर्षण के लिए हैं। फिर भी जो मेन मनोरंजन और संस्कृति के कार्यक्रम हैं वो आकर्षण है, मेला है, मेले में बड़े बड़े झूले होते हैं, और अब की बार जैसे बताया पन्ना लाल गधा सर्कस भी है, और बहुत हमारी पुरानी संस्कृति, जैसे प्रधान जी ने बताया था कि बंद थी बीच में स्वांग नौटंकी, उसमें चरित्र के जैसे अमर सिंह राठौर और बहुत बड़े आला उदल, ऐसे ऐसे चरित्र हैं जिनसे आज की युवा पीढ़ी अनजान है, क्योंकि उनके बारे में ना तो आजकल कोई नाटक बनता है ना फिल्में बनती हैं, लेकिन उन चरित्रों को युवा पीढ़ी को पता चले और आज के लोगों को पता चले, इसलिए उन चरित्रों के लिए स्वांग नौटंकी का आकर्षण एक बहुत बड़ा है। बाकी तो पूरा मेला आकर्षण है। आपने सुरक्षा की बात करी, तो सुरक्षा में देखो ये जो मेला लगता है वो पूरे प्रशासन के सहयोग से लगता है, मेला समिति और प्रशासन के साथ मिलकर लगता है, तो हम प्रशासन का साथ देते हैं, प्रशासन हमारा पूरा साथ देता है, सुरक्षा के लिए प्रॉपर पुलिस व्यवस्था होती है, और एडिशनली हमारी तरफ से एक एक चप्पे चप्पे में नज़र रखने के लिए CCTV फुटेज होती है। और जो सुरक्षा के लिए आपने पूछी, तो मेले का जो चारों तरफ से बाउंडेड होता है उसमें ऐसा नहीं कोई कहीं से घुस आया और कहीं से निकल गया, प्रॉपर एक एक आदमी CCTV नज़र में रहेगा, पूरी सुरक्षा रहेगी, या महिलाएं बच्चे निडर होकर मेले में आए और मेले में बिल्कुल पूरा मनोरंजन के साथ इस भव्य को। विशेष मैसेज पलवल के लोगों को देना चाहिए? देखो, पलवल के लोगों को यही विशेष मैसेज है कि ये जो मेला है ये पलवल की एक पहचान है, और क्योंकि पलवल दाऊजी महाराज ने प्लम्बासुर राक्षस को मारा था उसके नाम पे पलवल मरा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने और हमारे इतने पीढ़ियों ने जो आज तक इस मेले को चलाते आए हैं, आज के इस दौर में हम इसको आगे बढ़ाएं, ये जिम्मा अपने ऊपर लें। तो मैं पलवल सभी पलवल वासियों से कहूँगा, एक सुरक्षा के साथ, एक जोश के साथ और पूरे एक अनुशासन में इस मेले में सहयोग दें, ताकि ये मेला आगे तक चलता रहे और हमारे बाद भी आगे की पीढ़ियाँ इसके, हमारी संस्कृति के बारे में इनको ज्ञान रहे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।